हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। सो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। राजा टेक्सटाइल कंपनी विच क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च परचेज ए मशीन ऑन 1st अप्रैल 16 फॉर 50,000, ऑन 1/10/17 इट परचेज एन एडिशनल मशीन फॉर 30,000। तो इसको नाम दे दो M1 और इस मशीन का नाम हो गया M2। द पार्ट ऑफ द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1st अप्रैल 16 कॉस्टिंग 10,000 वॉज सोल्ड फॉर 3,600 ऑन 30th September 19। क्या बोला क्वेश्चन में, कोई मशीन का एक पार्ट है कितने का, 10,000 का, जो इंक्लूडेड है इस 50,000 में, उसको सेल कर दिया 3,600 में 30th September 19 को। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर 4 years इफ द डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, करते हैं। क्या बनाना हमें यहाँ पे, मशीन अकाउंट बनाना है। कितने साल के लिए करना है, 4 साल के। सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम अमाउंट का, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अपने पास आएगा 1 अप्रैल 2016 450,000 हमने एक मशीन परचेज की 2016। अच्छा यहां पे बता देता हूँ, टाइमलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। 1 अप्रैल 16 से 31st मार्च 17 तक पहला साल है, और इस साल हमने यहाँ पे एक मशीन परचेज की M1। तो क्या लिखेंगे, 2016 1st of April टू बैंक अकाउंट, कितने की मशीन आई है अपने पास, 50,000 की मशीन आई है। टू बैंक अकाउंट 50,000 की एक मशीन आ गई। क्या इस साल इसके अलावा कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम डायरेक्ट क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। 31st मार्च 2017 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, 50,000 का 10% कितना आ जाएगा, 5,000। 31st मार्च को ही बाय बैलेंस सीडी कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, 50,000 की मशीन थी, 5,000 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो बैलेंस कितना आएगा, 45,000। ये पहला साल हमारा कंप्लीट होता है। नाउ अब हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन करेंगे M1 मशीन कितनी वैल्यू अपने पास लास्ट ईयर, 45,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ईयर देखते हैं। 1 अप्रैल 17 से 31st मार्च 18 तक चलते हैं। इस साल क्या हुआ, इस साल हमने 1 अक्टूबर 2017 1/10/2017 को हमने एक मशीन परचेज कर ली 30,000 की, इसका नाम हमने रख दिया M2। 1/10 को हमने एक और मशीन परचेज की, टू बैंक अकाउंट, नाम रख दिया हमने इसका M2। कितने की मशीन परचेज की हमने, और ये 30,000 की। क्या इसके अलावा इस साल कुछ हुआ, नहीं हुआ। हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31st मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन, M1 मशीन है, M2 मशीन। M1 मशीन का तो 10% आ जाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना, तो 45,000 का 10% कितना आ जाएगा, 4,500, 10% डेप्रिसिएशन 45,000 का। ठीक है ना, उसके बाद M2 मशीन कितने टाइम तक है अपने पास, 6 months तक। कितने की मशीन आई, 30,000 की, 10% डेप्रिसिएशन का रेट कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितना हो जाएगा, 1,500। कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 1,500, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 6,000। नाउ 31st मार्च बाय बैलेंस सीडी M1 एंड M2। M1 मशीन 45 माइनस 4,500 कितना बचेगा, 40,500। 30,000 माइनस 1,500 कितना आ जाएगा, 28,500। टोटल कर लो ये आ जाएगा 69,000। ठीक है, और कंप्लीट ईयर का टोटल कितना हो जाएगा, 75,000 एंड 75,000। ये अपने पास सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ यहाँ पे।
यहाँ पे पहले लिख लेते बैलेंस, 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस बीडी, M1 मशीन एंड M2 मशीन का बैलेंस कितना है 40,500 एंड 28,500, दोनों का टोटल कितना आ रहा है अपने पास 69,000। यहां तक हो गए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर पे चलते हैं। अब हम थर्ड ईयर कब स्टार्ट होगा अपने पास, 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 2019 तक, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक। क्या बोला इस साल हमने मशीन बेच दी, पार्ट ऑफ द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 16 वाज सोल्ड ऑन 30th, अरे सितंबर 19 है, मतलब अगले साल जाएगा, तो इस साल तो कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। Now 31st March 2019 by depreciation account, M1 machine and M2 machine 40,500 का 10% 4050, 28,500 का 2850, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6900 depreciation 31st March को by balance CD, M1 machine and M2 machine, M1 and M2 40,500 से माइनस कर लेंगे 4050, बैलेंस आ जाएगा 36,450। उसके बाद 28,500 से माइनस कर लेंगे 2850, तो बैलेंस बच जाएगा 25,650, टोटल कर लो 62100 62100, और पूरे साल भर का टोटल कितना हो जाएगा 69,000 हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 2019, टू बैलेंस बीडी, M1 एंड M2, 36450 25650, टोटल कितना है 62100, ये हो गया अपने पास। ये किसकी बात होगी अब अपने पास, फोर्थ ईयर की। देखो यहां पे फोर्थ ईयर आया अपने पास, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक जाएगा ये। इस साल क्या हुआ, इस साल हुआ अपने पास जो मशीन हमने 1 अप्रैल 16 को खरीदी थी 10,000 की, उसको बेच दिया 3600 में, कब 30th सितंबर को बेच दिया हमने 3600 में। कौन सी मशीन है ये, M1 मशीन का एक पार्ट है, पूरी मशीन नहीं है, सिर्फ उसका एक पार्ट है। क्या हमने कोई नई मशीन परचेज की, नहीं की, ठीक है, बस इतना ही है। सो 30th सितंबर 2019 बाई बैंक अकाउंट कितने में बेच दिया हमने इस मशीन को, 3600 में। तो इस मशीन के ऊपर आज तक का डेप्रिसिएशन भी हम चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहां पे शायद लॉस ही रहेगा बाय P&L अकाउंट, मैं लिख रहा हूं अभी, आप मत लिखना इसको, बाद में लिख लेंगे लॉस, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा देखो अब हमें कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेगी। देखो वर्किंग करने के दो तरीके, कितने तरीके, दो। देखो एक तो ऐसे कर सकते हो, 36450 इस मशीन की वैल्यू ईयर के स्टार्टिंग में जब हमने परचेज किया था कितना था, 50,000 था, कितना था 50,000। आज जो मशीन बेच रहे हैं उसमें से कितना पार्ट बेच रहे हैं हम, 10,000, तो बैलेंस कितना बचेगा 40,000। ऐसे मतलब कि जो 10,000 है वो 50,000 का कितना पार्ट है, 1/5 पार्ट है, 10,000 / 50,000 कितना हो जाएगा, 1/5 पार्ट हो जाएगा, 1/5 पार्ट हो जाएगा ना। तो इस 36450 के भी हम दो पार्ट कर लेते हैं, 1/5 कितना आ जाएगा 7290, और 36450 से माइनस कर लो 7290, तो जो बैलेंस बचेगा वो कितने का बचेगा, 29160 का बचेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ईयर के स्टार्टिंग में मशीन 10,000 की थी भाई, यहां पे मशीन कितने की थी, 10,000 की, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाओ, दूसरे का लगाओ, तीसरे का लगाओ, फिर उसके बाद वैल्यू आएगी। ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो, माइनस डेप्रिसिएशन, पहले साल कितना 1000, कितनी वैल्यू बचेगी 9000, माइनस डेप्रिसिएशन 900, कितनी वैल्यू बचेगी 8100, माइनस डेप्रिसिएशन 810, तीसरे साल का कितना बचेगा 7290। चाहे तो ऐसे करके दिखा दो, चाहे आप ऐसे कर लो, होना भाई आपका आना आपका 7290 ही है। तो ये वैल्यू कब आई अपने पास, 1 अप्रैल 2019 को, लेकिन इस मशीन को बेचा कब, 30 सितंबर को, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा,
तो 7290 का 10%, 7290 का 10% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा 365। सो इसे माइनस कर लेंगे 7290 से, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास? 6925। कितना बैलेंस बच जाएगा? 6925। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लिख ले पहले 365। डेप्रिसिएशन लिख लिया हमने 365, 6925 वैल्यू बची मशीन की आफ्टर डेप्रिसिएशन, और उसे सेल कितने में किया? 3600 में। 6925 की मशीन को हमने सेल किया 3600 में, तो लॉस कितने का हो गया हमें? हमें लॉस हो गया 3325 का। कितने का? 3325 का लॉस हो गया। आया समझ में? ये तो ट्रीटमेंट हो गया अपने पास जो मशीन हमने सेल की उसका। क्लियर है ये? उसके बाद अब 2020 31st मार्च को हम लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट जो M1 मशीन बची वो, और M2 मशीन। तो पहले मैं M2 का कर रहा हूं, 25 इरेज कर लो भाई सारा ये। और 31st मार्च को ही क्या आ जाएगा? बाई बैलेंस CD, M1 मशीन का बैलेंस और M2 मशीन का बैलेंस। तो 25650 का 10% डेप्रिसिएशन, 2565। ठीक है, अब 25650 से माइनस कर लो 2565, तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 23085। यहां तक पहुंच गए। अब 36450 से ये वाली मशीन तो गई, बची कितने की? 29160 की। 29160 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, 2916। कितना? 2916। अच्छा, 29160 से माइनस कर लेंगे 2916, तो कितना बैलेंस बच जाएगा? 26244 प्लस 23085, ये आ जाएगा 49329। और डेप्रिसिएशन का टोटल कितना जाएगा? 2916 प्लस 2565, 5481। ठीक है, ये हो गया। यहां तक पहुंच गए हम, टोटल करके दिखा देंगे। और टोटल कितना आएगा अपने पास? 62100। एक बार टोटल यहां पे और चेक और कर लेंगे क्या ठीक आ रहा है या नहीं। यही यार अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हुआ। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 17 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कितना टाइम लग गया इस क्वेश्चन में? लगभग 13 मिनट्स के आसपास, 12 मिनट्स मान लो, 12 मिनट्स लग गए। और इतना टाइम लगेगा अभी इस क्वेश्चन को करने में, 4 साल का डाटा, इतना टाइम तो जाएगा। वो तो इजी है, ये सिर्फ 2 ही मशीन है, 3 नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाती और कैलकुलेशंस करनी पड़ती हमें। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है यहाँ पे? देखो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ गिवन है अपने पास, ए कंपनी विच क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर परचेज ऑन 1st जुलाई 2017 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000, नाम दिया हमने इसको M1। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1st जनवरी 2018, नाम दिया M2 20,000, एंड ऑन 1st अक्टूबर 2018 कॉस्टिंग 10,000 M3 हमने इसको नाम दे दिया। ऑन 1st अप्रैल 2019 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2017, बात किसकी कर रहा है? M1 की। उसका 1/3 पार्ट बिकेम एब्सोल्यूट एंड सोल्ड फॉर 3,000। उसका 1/3 पार्ट हमने सेल कर दिया कितने में? 3,000 में। शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपियर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। It being given that machinery was depreciated by diminishing balance method 10% per annum, what would be the balance of machinery account on 1st April 2020? Machinery account का कितना balance रहेगा कब? 1st April 2020 को। तो कैसे करेंगे? देखो कौन सा account करना है हमें? Machinery account करना है यहाँ पे। वही काम, सबसे पहले फॉर्मेट करेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट हो गया। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट कब से हुआ? ये स्टार्ट हुआ अपने पास
मशीनरी अकाउंट 1 जुलाई 2017, मतलब 1 अप्रैल 2017 से फर्स्ट ईयर यहीं से यहीं तक जाएगा ना, 31 मार्च 18 तक, 31 मार्च 18 तक, अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, ठीक है। चल इस साल क्या हुआ, ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को एक मशीन आई M1, और इसी साल जनवरी में, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2018 को, इसी साल आएगा वो, M2 मशीन आ गई अपने पास, दो मशीन आ गई। तो लिखते हैं 2017, पहली मशीन कब आई, 1 जुलाई, 1 जुलाई को टू बैंक अकाउंट M1 मशीन आ गई, और कितने की आई मशीन, ये 30,000 की, ठीक है। और इसी साल दूसरी मशीन आ गई अपने पास, कितने की आई, वो मशीन आई 20,000 की, 1 जन को 2018, 2018 1 जन अपने पास आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। M2 मशीन आ गई, कितने की मशीन है, और ये M2 मशीन 20,000 की, 20,000 की, ठीक है, दोनों मशीन हो गई। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि इसके अलावा इस साल हमने कुछ भी नहीं किया इन दो मशीन को परचेज करने के सिवा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे M1 मशीन, M2 मशीन। डेप्रिसिएशन का रेट 10%, कौन सा मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यहां लिखा है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो पहले 30,000 की मशीन 10% डेप्रिसिएशन का रेट मल्टीप्लाई बाय कितने महीने, 1 जुलाई से 31 मार्च तक, कितने मंथ्स हो जाएंगे, 9 मंथ्स। 30,000 का 10% डिवाइडेड बाय 12 × 9, ये आ जाएगा 2250, कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 2250। उसके अलावा दूसरी मशीन कितने की अपने पास, दूसरी मशीन कितने की है, 20,000 की, 20,000 का 10% कितने महीने के लिए, 1 अगस्त से, क्या आपने पास ये 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 मार्च, कितने महीने, 3 महीने। 20,000 का 10% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 500, कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 500। टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 2750, कितना आ गया, 2750। नाउ 31 मार्च को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस बच जाएगा M1 मशीन का और M2 मशीन का, 30,000 माइनस 2250, 27,750, एंड 20,000 माइनस 500, 19,500, टोटल आ जाएगा 47,250, ये आ जाएगा 50,000, ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। चलो आगे देखते हैं, अब हम लिखेंगे 2018 फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू बैलेंस बीडी, ब्रोट डाउन कर लेंगे M1 मशीन को और M2 मशीन को, 27,750 एंड 19,500, कितना है, 47,250। अब हमें दूसरे साल, हमें दूसरे साल यहां पे ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 18 से जाएगा 31 मार्च 19 तक। इस साल क्या हुआ, इस साल हमने एक और मशीन परचेज की थी, कब, 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को, 1/10/2018 को एक मशीन परचेज की हमने, कितने की, 10,000 की, ये हो गई M3 मशीन, कौन सी मशीन, M3। और इसके बाद कब बात हुई, 1 अप्रैल 19 अगले साल बात हुई, तो इस साल एक मशीन और परचेज करनी है हमने 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट, इसका नाम रख लेंगे हम M3 मशीन, और कितने की परचेज की हमने ये वाली मशीन, 10,000 की, कितने की मशीन आ गई ये, 10,000 की। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कुछ हमें करना नहीं है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन आएगा M1 मशीन, M2 मशीन और M3 मशीन, 10% डेप्रिसिएशन, 27,750 का 10%, 2775, 19,500 का 10%, 1950, अरे लास्ट की एक जीरो हटा दो और क्या करना है। उसके बाद इस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10,000 की मशीन, 10% डेप्रिसिएशन का रेट कितने महीने के लिए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, कितने महीने, 6 महीने, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500, कितना डेप्रिसिएशन आ गया इसके ऊपर, 500 का, टोटल कर लो कितना हो जाएगा, तीनों का टोटल आ गया 5225। अब हम लिखेंगे 31 मार्च को ही बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी M1 मशीन, M2 मशीन और M3 मशीन,
कितना बैलेंस आएगा, 27750 से माइनस कर लेंगे इसका डेप्रिसिएशन 2775, कितना बैलेंस बच जाएगा 24975, 19500 माइनस 1950, 17550, 17550. उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 10000 माइनस 500, 9500, टोटल कर लो ये आ जाएगा 52025, और इस साल का टोटल हो जाएगा अपने पास कितना 47250, और ये 10000 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा 57250, इसे करेक्ट कर लेंगे, देखो इस 10000 को यहां से हटा के यहां लिख लो, ये हो जाएगा 57250, और ये भी कितना आ जाएगा 57250, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं, 2019 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस पीडी, M1 मशीन, M2 मशीन, M3 मशीन, तीन मशीन हो गए अब अपने पास, 24975, 17550, 9500, टोटल कितना है 57250, थर्ड ईयर की बात करते हैं अब हम, थर्ड ईयर कब से कब तक जाएगा, ये जाएगा 1 अप्रैल 19 से कब तक जाएगा 31 मार्च 20 तक, इस साल क्या हुआ, इस साल 1 अप्रैल 2019 को, मतलब कि यहीं पे ईयर के पहले दिन ही 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 17, मतलब M1 मशीन का 1/3 पार्ट खराब हो गया और उसको बेच दिया हमने 3000 में यहाँ पे M1 मशीन का, तो कब करना हमें 1 अप्रैल 19 को, 1 अप्रैल 2019 को क्या लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, कितने में बेच दिया इस मशीन को हमने 3000 में सेल आउट कर दिया 1 अप्रैल को ही, देखो 31 मार्च को तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही था, 1 अप्रैल को वैल्यू आई, 1 अप्रैल को ही क्या हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करेंगे एक दिन का, नहीं एक दिन का कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इसे हम नील लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, अगर आप करके दिखाना चाहो तो बेशक करके देख लो, देखो वैल्यू क्या आएगी 24975, इसके दो पार्ट करेंगे 1/3 पार्ट और बैलेंस पार्ट, 24975 का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा 8325, कैसे आएगा 24975 इनटू 1/3, कितना आ जाएगा अपने पास 8325, ये आ गया, बैलेंस कितना बच जाएगा 24975 से माइनस कर देंगे 8325, बैलेंस बच जाएगा 16650 का, कितना बैलेंस बच जाएगा 16650 का, ठीक है, ये दो पार्ट हो गए अपने पास, इन दो पार्ट के अंदर इस मशीन का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 8325 का 10% कब के लिए 1/365 एक दिन का, एक दिन का ऐसे ही करेंगे भाई, कैलकुलेट करके देख लो कितना आएगा, डेप्रिसिएशन आ रहा है 2 रुपए का, 2.28 का लगा लो डेप्रिसिएशन, तो इसी वजह से एक दिन का डेप्रिसिएशन हम इग्नोर कर देते हैं, पे क्या करते हैं हम एक दिन का डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देते हैं, उसे हम काउंट नहीं करते 1 अप्रैल को, ठीक है, तो हमने डेप्रिसिएशन को क्या दिखा दिया यहाँ पे, जीरो दिखा दिया कि कोई बात नहीं एक दिन का कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, हो सकता है 1 अप्रैल को उसी दिन के स्टार्टिंग में बिक गई हो, क्या पता, नाउ 1 अप्रैल बाई हमें क्या कितनी वैल्यू है 8325, डेप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं है, बेच कितने में दिया 3000 में, तो लॉस कितने का हो गया 5325 का, कितने का लॉस आ गया 5325 का लॉस आ गया बाई P&L अकाउंट हम लिखेंगे लॉस 5325, ठीक है, तो इस मशीन का काम तो हो गया, अब इसके अलावा और कुछ हमें करना नहीं था, तो चलते 31 मार्च 2020 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, M1 मशीन का जो बैलेंस बचा, M2 मशीन और M3 मशीन, M1 मशीन का कितना बैलेंस बचा 16650, तो इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 1665, 17550 का 10% डेप्रिसिएशन 1755, 19500 का 950, तीनों का टोटल कर लो,
4370, कितना आ जाएगा 4370 टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ 31st मार्च बाई बैलेंस सीडी M1, M2 एंड M3। M1 का बैलेंस कितना 16650, 16650 से माइनस कर लेंगे 1665, ये आ जाएगा 14985, कितना आ जाएगा 14985। 17750 से माइनस कर लेंगे 1755, 15795, यहां पे आ जाएगा 9500 माइनस 950, 8550, टोटल कर लो। थ्री नाइन थ्री थ्री जीरो कितना आ जाएगा 39330। ठीक है, ये आ गया 39330। अब क्या करना है, टोटल करना है बस, हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन तो हो चुका कंप्लीट, इतना ही पूछा क्वेश्चन ने। फाइव सेवन टू फाइव जीरो। एक ना छोटी सी मिस्टेक है, इसे ठीक करना, छोटी सी एक मिस्टेक होगी हमसे, उसे ठीक करना, क्योंकि हमारा टोटल मैच नहीं कर रहा यहाँ पे। ये जो टोटल है ना, ये मैंने गलत लिख दिया, ये कितना है, ये अपने पास है 52025, देखो कितना टोटल था ये लास्ट में 52025, तो यहाँ पे कितना लिखना है 52025, और यहाँ पे भी कितना आएगा फिर अपने पास, इसे करेक्ट कर लेना 52025, और ये भी कितना आएगा 52025, ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, बाकी अपना आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था हमें बैलेंस बताने 1 अप्रैल 2020 को, तो एक काम करना, वैसे कोई जरूरी तो नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन ने बोल दिया तो हमें करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2020 को, 2020 को, इसको ने यहां तक और कर देना, टू बैलेंस बीडी M1 M2 एंड M3, 14985, 15795 एंड 8550, तो बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास 39330। बस क्वेश्चन ने बोला था ना 1 अप्रैल 2020 का बैलेंस बताना हमें, ये हमारा 1 अप्रैल 2020 हो गया 39330। ठीक है, बस इतना ही करना है, इतना ही क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा अपना, क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद शायद अपने पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम। अपना स्ट्रेट लाइन हमने कर लिया, रिटन डाउन हमने कर लिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।